What's better than baking your own cake at the comfort of your home? So in today's video, I'll be sharing another recipe for cake baked without oven. So here's my attempt at making eggless coconut cake with no cream frosting. Yes, I'm gonna show you making frosting without actually using cream. For this, we need to take 1/2 cup milk, and for perfect coconut flavor, you can use coconut milk too. Next, इसमें हमें विनेगर ऐड कर लेना है और इसे अच्छे से मिक्स करके करीब 15 मिनट के लिए साइड करके रख लेना है। अब 15 मिनट बाद हमें इसमें सारे वेट इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेना है। इसमें करीब 1/4 कप ऑयल या बटर ऐड कर लेना है और अब इसमें हम 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड कर लेंगे। क्योंकि हम ये एगलेस केक बनाने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ हमें कंडेंस्ड मिल्क और विनेगर का इस्तेमाल करना है, जिससे केक बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगी। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब इसमें हमें पाउडर्ड शुगर बारी बारी से ऐड करना है। मेक श्योर कि आप जब भी केक बनाएं चीनी को पीस कर ही यूज करें, या फिर आप कैस्टर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। इस वेट मिक्सचर को हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और अब हमें सारे ड्राई मिक्सचर्स को छन्नी से छान लेना है। तो सबसे पहले करीब 1.5 कप मैदा लेना है, फिर 1 बड़े चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 टेबलस्पून बेकिंग सोडा और बस चुटकी भर नमक ले लेना है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से छान लेना है। केक बनाने टाइम हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान लेने चाहिए, जिससे केक की टेक्सचर लाइट और स्पॉन्जी बनती है। और एक टिप, जब भी हम कुछ मीठा बनाते हैं तो उसकी स्वीटनेस को बैलेंस करने के लिए उसमें चुटकी भर नमक जरूर डालें, इससे टेस्ट इन्हांस हो जाती है। अब हमें ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेना है। केक के बैटर को हमें फेंटना नहीं है, इसे बस हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। बैटर की कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए इसमें हम एडिशनल मिल्क भी डाल सकते हैं। तो देखिए, बैटर की टेक्सचर इस तरह की होनी चाहिए और इसमें थोड़े भी लम्स नहीं होने चाहिए। अब यहाँ हमें फ्रेश कोकोनट को इस तरह ग्रेट करके ऐड कर लेना है। You can also use dry coconut, but for making the cake more flavorful, try adding fresh grated coconut. इसे भी हमें अच्छे से मिला लेना है। अब एक केक टिन लेकर इसे हमें अच्छे से ऑयल या बटर से ग्रीस कर लेना है। और बेस में इस तरह बटर पेपर लगा लेना है ताकि केक इजीली निकल सके। अब केक बैटर को केक टिन में ट्रांसफर कर लेना है। तो हम ये केक बिना ओवन के बनाने जा रहे हैं, सो लेट्स मेक इट इन प्रेशर कुकर। इसके लिए कुकर में 1 कप नमक या सैंड डालकर अच्छे से फैला लेना है। द आइडिया बिहाइंड यूजिंग सॉल्ट और सैंड इज कि ये हीट इक्वली स्प्रेड करने में हेल्प करती है, जिससे केक चारों तरफ से इक्वली बेक होगी। अब इसमें एक स्टैंड रखकर हमें कुकर बंद कर लेना है और करीब 5 से 7 मिनट तक कुकर को गर्म कर लेना है। मेक श्योर कुकर बेक करने टाइम आप कुकर की सीटी निकाल दें। जब कुकर गर्म हो जाए तब हमें केक टिन को कुकर में रख देना है और करीब 35 से 40 मिनट्स के लिए बेक कर लेना है।
After almost 40 minutes, check with a toothpick or knife if cake is perfectly baked. अगर toothpick clean निकल जाए तो समझ जाइए कि केक अच्छे से बेक हो चुकी है। अब हम अपने frosting की तैयारी कर लेते हैं, जो कि बिना cream की बनेगी। इसके लिए हम एक पैन में हाफ कप दूध ले लेंगे। और इसमें थोड़ी चीनी और एक बड़े चम्मच मैदा मिला लेंगे। इसे हमें गैस ऑफ करके मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। एक बार ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम गैस ऑन करके इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी गाढ़ी हो गई है। जब ये इस तरह थोड़ा गाढ़ा हो जाए तब हमें इसे गैस से हटा लेना है। अब एक बोल में करीब 100 ग्राम बटर ले लेना है और इसे तब तक फेंटना है जब तक इसकी टेक्सचर क्रीमी और स्मूथ नहीं हो जाती। मेक श्योर कि आप रूम टेम्परेचर में बटर ले ताकि इसे अच्छे से फेंटा जा सके। जब बटर पूरी क्रीमी टेक्सचर की हो जाए तब हम इसमें बारी बारी से चीनी ऐड कर लेंगे। यहाँ भी मैं पाउडर शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब धीरे धीरे करके हमें चीनी ऐड करते जाना है और इसे अच्छे से फेंटते जाना है। अब इसमें हमें अपने बनाए गए मिक्सचर को भी ऐड कर लेना है और करीब 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फेंट लेना है। तो देखिए, बिना क्रीम और बटर के भी हम स्मूथ एंड क्रीमी बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग बना सकते हैं। इसे चाहे तो आप फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे ये थोड़ी स्टिफ हो जाएगी। अब हम अपने कोकोनट केक को इस तरह कंटेनर से निकाल लेंगे। आप देख ही सकते हैं कि केक कितनी परफेक्टली बेक हुई है। इट्स जस्ट दैट कि केक बनाने टाइम आपकी इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट सही हो, तभी आपकी केक परफेक्ट बनेगी। आप अपने पसंद से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। टू गेट एन आइडिया लेट्स सी हाउ आई डेकोरेट इट। मैं यहाँ सरफेस को लेवल करने के लिए केक कट कर ले रही हूँ। इसके ऊपर अब हमें बटर क्रीम की फर्स्ट लेयर अप्लाई करनी है और इसके बाद करीब 10 से 15 मिनट तक फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना है। तो जब तक केक फ्रिज में है, आइए हम डेकोरेशन के लिए कुछ और भी एलिमेंट्स रेडी कर लेते हैं। अब एक पैन में हमें ग्रेटेड फ्रेश कोकोनट को ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेना है। यू नो व्हाट, रोस्टेड कोकोनट की काफी अच्छी खुशबू आती है। और मैं यहाँ अब कुछ स्लाइस्ड कोकोनट पीसेस भी ले रही हूँ, जिसे भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसे मैं ब्राउन नहीं कर रही हूँ, बस इसकी रॉ फ्लेवर को हटाने के लिए मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर ले रही हूँ।
अब फ्रिज से केक निकालकर इसमें हम बटर क्रीम की दूसरी लेयर भी इवनली स्प्रेड कर लेंगे। अब इस तरह हमें रोस्टेड कोकोनट से भी केक को डेकोरेट कर लेना है। And to give it a final touch, let's decorate this cake with rose made of coconut pieces. पहले मुझे घर पर केक बनाना बहुत ही मुश्किल लगता था, but after many trials and errors, I got that घर पे भी हम easily केक बना सकते हैं, and that too without oven. Isn't that amazing? तो आप भी घर पर ये केक एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।